क्या कर रही है राधा? वो घेरा छिल रहा है। क्या बनेगा इसका? अभी लौकी काटना ना, भिंडी, पापा और सब्जी लाने गए हैं, सांभर बना रही हूँ। सांभर के साथ आज क्या खाओगी? डोसा बना दो। चटनी कौन सा खाओगी? लौकी का छिलके वाला खाओगी चटनी? जो तुम्हें पसंद आए हम बनाने वाले को। मूंगफली से भी टेस्टी इसका चटनी लगता है। बना। ठीक है। अरे फटाफट सूजी का बना देते हैं। ठीक है, उड़द नहीं डाले भिगोने के लिए, इसी का बना देने डोसा। ठीक है, देखो मम्मी इसका चट्टी दंगल दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसे इसे छीलना। ठीक है, जब चटनी बनाना हो बना तो चाकू से, ज्यादा नहीं थोड़ा ही। सांभर बनाने के लिए 2 कटोरी रहर की दाल लेंगे, जिसको तुअर की भी दाल बोलते हैं। भुनी हुई दाल नहीं, कच्ची वाली दाल चाहिए। और उसको अच्छे से धो लेंगे हाथ से मसल मसल के। 2 पानी से इसको धोऊंगी मैं। दाल धोने से इसका जो गंदा रहता सब निकल जाता और जल्दी दाल ख़राब भी नहीं होता। और बिना बहुत और बिना धोए दाल बना लेते हो तुरंत ही ख़राब महकने लगते हैं, और उसमें जो केमिकल रहता है वो सब निकल जाता है। अच्छे से धो लूँगी, उसके बाद इसमें ये डायरेक्ट वाला मोटर से मैं पानी ले रही हूँ, तो 4 ग्लास इसमें पानी ऐड करूँगी मैम। मैं लगभग 6-7 लोगों के लिए बना रही हूँ सांभर, कि हम लोग सांभर ही ज़्यादा खाते हैं डोसा इडली से ज़्यादा, और मार्केट से ज़्यादा घर का बनाया हुआ सांभर टेस्टी लगता है, यम्मी यम्मी। तो इसमें 4 ग्लास पानी ऐड की। आप सबको एक रेस्टोरेंट वाली सांभर अच्छी लगती है या घर की बनाई हुई? मुझे तो घर की खुद की बनाई हुई सांभर सबसे ज़्यादा पसंद है, और किसी की उतनी नहीं। मुझे मेरी बड़ी वाली मासी है ना, उन्होंने सांभर बनाना सिखलाया था, और सूजी से इडली बनाना। अब इसमें मैं हल्दी डालूँगी, 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, तो मैं 1 चम्मच 1.5-2 के करीब डालूँगी। फिर कम होगा तो ऊपर से डाल लूँगी, पर ज़्यादा हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा। फिर इसको 3 सीटी लगाएंगे, उसके बाद दाल पक जाएगा। तब तक और सब्जियाँ पापा लेके आ गए थे तो मैं कट कर ली। और ये करी पत्ता 2 डंठल, और इसमें प्याज डालूँगी 1। आप ज़्यादा प्याज खाते हो तो 2 प्याज डाल लेना। और 2 टमाटर में काटी, 5 हरी मिर्ची ली थी, और उसको भी बीच से चीरा लगाई थी। भिंडी काटी, और वो सहजन था वो काटी। और आपके पास जितनी भी मतलब हरी सब्जियां बच गई हो, मतलब एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा करके, तो आप वो सब डाल सकते हो।
अदरक ऐसे अच्छे से छील करके इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी, और फिर एक पैन चढ़ाएंगे कोई भी, उसमें एक चम्मच जो भी आप तेल खाते हो, रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल जो भी, आप एक चम्मच डालो फ्राई पैन में। जब तेल गर्म हो जाएगा तब मैं वो लौकी की छिलके की चटनी बना रही हूँ। इसमें एक चम्मच उड़द दाल डालूँगी और दो चम्मच चना दाल डालूँगी, और इसको मतलब ब्राउन करना, भुनना, डार्क ब्राउन नहीं करना। डार्क ब्राउन करने पे थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता। और ये ना लौकी की, सुनने में तो अजीब लगेगा लौकी की छिलके की चटनी, पर ये बहुत टेस्टी लगता है। वो कोकोनट वाली चटनी जो सिर्फ बनाते हैं उससे भी ज़्यादा, मूंगफली वाली मेरी फेवरेट चटनी है, उससे भी ज़्यादा मुझे लौकी की छिलके वाली चटनी अच्छी लगती है। इसके लिए लौकी का थोड़ा सा छिलका चाहिए धो के, और चार पांच हरी मिर्ची, तीखा कम खाते तो एक ही दो डालिएगा, और कुछ सूखे हुए नारियल के, उसको पतला पतला काट लेंगे। और उसके बाद मैंने बात करते करते इतना ही ब्राउन रखना था, और मैं बात करते करते कुछ ज़्यादा ही मतलब उसको भून दी थी। मम्मी थी ना, मम्मी से मैं बातें कर रही थी। अब इसमें ये सब ऐड करेंगे और इसको भूनेंगे। और ना मैं मूंगफली पहले से भून करके रखा हुआ था। मूंगफली जब चना और उड़द भूलेंगे ना, अगर आपको मूंगफली पसंद है खाना तो दो चम्मच मूंगफली ऐड करिएगा। इतना डार्क जितना मैं ब्राउन कर ली हूँ ना, इतना नहीं कीजिएगा। मेरे से गलती से हो गई थी बात करते करते ब्राउन, मैं कुछ ज़्यादा ही हो गया, पर टेस्ट उतना भी बुरा नहीं हुआ था, अच्छा ही था, पर कम ब्राउन होने पर ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसके स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, बिना नमक का तो कुछ मज़ा ही नहीं है खाने में। फिर नमक समक डाल देते हैं, फिर डाल लिए इसको, और इसको फिर एक मिनट भी नहीं मतलब दो तीन कितना कुछ सेकेंड के लिए इसको चलाएँगे, उसके बाद ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैं मूंगफली भून चुकी थी ना, तो मैं ऊपर से ऐड कर रही थी क्योंकि मेरा मूंगफली भूना हुआ था। आपको जब दाल भूनेंगे तभी आपको ऐड करना। उस साइड में दाल चढ़ाई हुई हूँ सांभर के लिए। दाल बन जाता है तो सब्जियाँ भून के डालने पे गलती नहीं है। तब तक ये ठंडा होगा तो मैं सारी सब्जियाँ काट लूँगी। बैंगन बचिए था काटना, बैंगन में फटाफट काट ली। उसके बाद कढ़ाई चढ़ाई, दो चम्मच तेल डाली, और उसके बाद सारी सब्जियों को हाफ भूनी, मतलब ज़्यादा नहीं। उसके बाद जो दाल पक गए थे उसमें ऐड कर दी, मतलब सब्जियां ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का से एकदम से भूनना, दो मिनट के लिए सब्जियां भूनना, टेस्ट उससे अच्छा आता है। फिर इसमें दो चम्मच सांभर मसाला ऐड करूँगी। आप घर में का खुद से बना के डालो या मार्केट से खरीद के डाल लिए लाके। दो चम्मच ऐड करने के बाद इसमें मैं मिक्स करूँगी कि गुलटी नहीं बने, मसाला एक जगह इकट्ठा नहीं हो, और हल्के से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद एक सीटी और लगाऊँगी। अब ये पक चुका है, और इमली में रखी हुई थी भिगो करके, उसको अच्छे से मसल करके उसका प्यूरी इसमें डाल दी। अब इसको फिर हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, और देखिए कितना अच्छे से सारी सब्जियां मतलब पक चुकी हैं। फिर तड़के वाले में दो तीन चम्मच तेल डालूंगी, राई है तो एक चम्मच राई डालें या सरसों, फिर दो सूखी मिर्च, और इसको अच्छे से ब्राउन करके, और फिर तड़का लगाने के टाइम में रेड चिल्ली पाउडर अगर तीखा खाते हैं तो वो डालेंगे, नहीं तो कलर के लिए मैं इसमें आधा से एक चम्मच के करीब छोटी चम्मच से कश्मीरी मिर्च का तड़का डाल के इसमें छिलका लगा दूंगी। ये लग चुका है। लौकी की छिलके की जो चटनी बनानी थी उसे मैं मिक्सर जार में डालूंगी, फिर उसमें पानी ऐड करूंगी
हाँ बहुत गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाना, पतला बनाना, पर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। फिर मैं मिक्सी मतलब रुक के पीसना रहता लगातार नहीं, क्योंकि मसाला जल जाता है ना तो टेस्ट अच्छा नहीं आता। मैं 2 से 3 बार में इसको पीसी, ये पेस्ट है, अभी थोड़ा और पानी ऐड होगा, उसके बाद कम्प्लीट है चटनी। उसके बाद मैं तवा गरम करूँगी, डोसा तवा है तो वो डालिए या नॉर्मल तवा, अच्छे से गरम करके उस पर पानी का छींटा मारना रहता। मैं 2 कप सूजी ली थी और 2 कप दही, और इसमें फिर पानी ऐड करके 1/2 चम्मच से भी कम नमक डाली थी। और फटाफट अचानक से प्लान बना था तो इसलिए मैं उड़द चावल भिगो के नहीं डाली थी। फिर इसको आधा आधा से 1.5 घंटा के करीब ये रहा, उसको फूलने के लिए ढक के रख दी थी रेस्ट करने के लिए, और फिर अच्छे से उतना फूला नहीं था पर फिर भी हो गया था ये सूजी का फटाफट बनने वाला डोसा। जितने देर में मैं दाल चटनी बनाई उतने देर में इसका बैटर रेडी हो गया सूजी का, और ये हो भी गया। मैं बहुत बड़ा बड़ा नहीं बना रही थी, छोटा छोटा बना रही थी प्लेन वाला, और पापा को दी। बहुत टेस्टी, वेरी नाइस, मजा आ गया। पापा बहुत तारीफ किए। अब फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।